हेलो, वेलकम टू दिस वीडियो। एंड आज इस वीडियो में मैं क्लास 12th बायोलॉजी प्रैक्टिकल फाइल जो मैंने क्लास 12th के लिए बनाई थी उसे मैं इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि आपको कैसे अपनी प्रैक्टिकल कॉपी बनानी है एंड कौन कौन से आपको प्रैक्टिकल इस ईयर लिखने हैं। एंड अगर आप 2022 या फिर 2023 एंड सो ऑन देख रहे हैं तो आपके एक बार आप अपना सिलेबस देख लेना एंड इसमें लिखे हुए प्रैक्टिकल्स देख लेना। जो नहीं लिखा है उसे आप ऐड कर सकते हो। वैसे तो आप ये भी लिख लो तो बहुत, मतलब इनफ है। प्रैक्टिकल कॉपी इतना ज़्यादा इन्विजिलेटर देखते नहीं हैं, तो आपने जितना भी लिखा है दैट्स ओके। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट मैंने कौन कौन से लिखे हैं। ये मेरा इंडेक्स है एंड इंडेक्स बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अभी तक अपनी प्रैक्टिकल कॉपी का इंडेक्स मेंटेन नहीं किया है तो उसे अच्छे से कर लो एंड प्रॉपर डेट्स के साथ, ठीक है। आपको जो भी प्रैक्टिकल जिस भी डेट्स को कराई गई हैं एंड या फिर अपने से ही डेट बना के लिख लो, पर डेट्स डालने इंपॉर्टेंट हैं। इस पर होते हैं आपके मार्क्स। यहाँ पे देख लो, प्रिपेयर टेम्परेरी माउंट टू ऑब्जर्व पोलन पॉलिनेशन। ये आपने किया होगा स्कूल में, नहीं किया है तो भी यहाँ से देख कर आप लिख सकते हैं। PDF लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट मैंने किया था सोइल वाला। देन यहाँ पर आ जाता है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, कलेक्शन ऑफ वाटर टू डिफरेंट वाटर बॉडीज। देन यहाँ पे अनियन में स्टडी ऑफ माइटोसिस। देन यहाँ पे सिलेवरी अमाइलेज का इफेक्ट, pH टेम्परेचर दोनों का करना है। स्पॉटिंग आपको 7 स्पॉटिंग दी जाएगी आपके प्रैक्टिकल बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। एंड इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट अगर आपने अभी तक नहीं बनाया है तो इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट भी मैंने अपना इस वीडियो का, मतलब वीडियो चैनल में डाल रखा है, तो आप एक बार चैनल विजिट करिए एंड प्रैक्टिकल से रिलेटेड आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। चेक द प्लेलिस्ट राइट नाउ। सो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं स्पॉटिंग। स्पॉटिंग में आपको यहाँ पे दे दिया जाएगा परमानेंट स्लाइड्स होंगी, ठीक है। परमानेंट स्लाइड्स है, यहाँ पे स्पॉटिंग करनी है आपको। स्पेसिमेंट्स भी हो सकते हैं आपके अगर लैब में हैं, या फिर वर्चुअल पिक्चर दिखाकर भी आपको स्पॉट करना होगा कि ये क्या है। तो यहाँ पे स्पॉटिंग आपको क्या करनी है, मैंने 7 स्पॉटिंग ये लिखी है। आपके स्कूल में हो सकता हो पॉलिनेशन वाली भी स्पॉटिंग हो तो वो मैंने नहीं लिखी है, पर अगर आप इतना भी लिख लेते हो ना तो प्रैक्टिकल फाइल के लिए इतना इनफ है। इससे ज़्यादा आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है एंड अगर आप लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो। आइडेंटिफिकेशन यहाँ पर करना है क्या, TS ऑफ टेस्टिस एंड TS ऑफ ओवरी, फिर थ्रू परमानेंट स्लाइड। नेक्स्ट यहाँ पर ब्लास्टुला का है। यहाँ पे फिर आ जाता है आपका जेरिक कंडीशन में एक प्लांट एक एनिमल के लिए आपको लिखना होगा, स्पॉट करना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कैमल, और एनिमल के लिए मैंने कैमल लिखा है एंड प्लांट में आपका ओपनशिया। नेक्स्ट यहाँ पे हो जाएगा आपका अडेप्टेशन इन एक्वेटिक प्लांट, फिर प्लांट एंड एनिमल्स। बहुत ईजी है, फटाफट से कर लोगे। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट आप देख सकते हैं, प्रिपेयर अ टेम्परेरी माउंट टू ऑब्जर्व अ पोलन जर्मिनेशन। आपके लिए मटेरियल रिक्वायर क्या हो जाएगा, माइक्रोस्कोप कंपलसरी है, स्लाइड, निडल, पेट्रोडिश एंड सुक्रोज। यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको बनाने के लिए प्रिपेयर द पोलन ग्रेन मीडियम बाय डिसॉल्विंग। आपको पहले क्या करना है, एक मीडियम बनाना है, न्यूट्रिशन मीडियम बनाना है। न्यूट्रिशन मीडियम आप कैसे बनाएंगे, 10 ग्राम सुक्रोज लेना है। या आपको आपके बायो लैब में या केमिस्ट्री लैब में दिया जाएगा उस टाइम पे, तो आपको इसकी टेंशन नहीं लेनी है। आप लैब अटेंडेंट से बोलोगे तो ये सारे सामान आपको मिल जाएंगे लैब में। 10 ग्राम सुक्रोज लेना है, उसमें 30 ग्राम जो है कैल्शियम नाइट्रेट मिलाना है। देन उसके बाद 10 मिलीग्राम यहाँ पे आपको लेना है बोरिक एसिड इन 100 ml डिस्टिल वाटर। यहाँ पे 30 मिलीग्राम था, आप देख लेना। देन यहाँ पे क्या करना है, टेक अ ड्रॉप। यहाँ पे अब आपको ये न्यूट्रिशन मीडियम लेना है। ये बहुत सिंपल है, मतलब बहुत इजी है। आप स्कूल लैब में करोगे ना तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगी। लिटरली मुझे बहुत बहुत मज़ा आई थी इस प्रैक्टिकल को करते हुए। यहाँ पे आपको ये न्यूट्रिशन मीडियम बनाना है, तो हमें तो हमारे सर ने बना के दिया था, पर एग्ज़ाम टाइम में आपको खुद से बनाना होगा। तो यहाँ पे आप अपना न्यूट्रिशन मीडियम प्रिपेयर कर लेंगे, फिर प्रिपेयर करने के बाद उसको लेना है ग्लास, है ना, स्लाइड पे ले लो उसको, स्लाइड पे एक ड्रॉप गिराना है। देन यहाँ पर आपको रखना है अपने मैच्योर पोलन ग्रेन। तो आप हिबिस्कस का प्लांट ले लो या फिर कोई भी प्लांट, सॉरी फ्लावर ले लो, एंड उस फ्लावर का पोलन ग्रेन आपको लेना है, उस पर रख देना है। फिर उसके बाद आपको टैप 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 करना है। आप उसको टैप करोगे तो उसमें से पोलन मैच्योर जो होंगे वो बर्स्ट कर जाएंगे एंड उसमें से पोलन ग्रेन्स निकलेंगे एंड न्यूट्रिशन मीडियम से वो क्या करेंगे, जर्मिनेट कर जाएंगे, है ना। न्यूट्रिशन मिलेगा तो कोई भी है, पोलन ग्रेन्स हैं वो जर्मिनेट करेंगे। अब आपको क्या करना है, इस पर आपको अपनी ग्लास स्लिप रखनी है स्लाइड पे एंड 10 मिनट के बाद, क्योंकि उसे थोड़ा सा टाइम लगेगा, है ना। न्यूट्रिशन आते ही ऐसा थोड़ी ना कि एकदम स्टार्ट कर देगा आपकी तरह, नहीं तो पहले वो क्या करेगा, थोड़ा टाइम लेगा। फिर उसके बाद जब पूरा पोलन उसका रिलीज हो जाएगा तब आप देखोगे उसमें पॉलिनेशन कैसे होता है। ऑब्जर्वेशन में आपको क्या दिखेगा, तो पॉलिनेशन दिखना तो मुश्किल होता है, पर आपको पोलन ग्रेन्स दिख जाते हैं। मैंने जब स्कूल में अपनी स्लाइड प्रिपेयर की थी तो मैंने भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर की थी, पर मुझे पोलन नहीं दिखा था
जर्मिनेशन तो नहीं देख पाई थी मैं, पर पोलन ग्रेन्स आपको अच्छे से दिख जाएंगे जो डायग्राम आप देखते हो कॉपी में, ऐसा नहीं दिखेगा, सिर्फ ये पोलन ग्रेन्स दिखते हैं, ठीक है। तो ये पूरा ओवरी वाला आपने नहीं कट किया है तो ये मत देखने लग जाना, यहाँ पर सिर्फ आपको पोलन ग्रेन्स देखने हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको उसमें दिखता है एग्जाइन, एंटाइन, जर्म पोन, सब कुछ दिखता है, ठीक है। तो आप आराम से देख सकते हो वेजिटेटिव सेल, जनरेटिव सेल। तो मेरे स्लाइड तो काफ़ी अच्छी बनी थी। फिर यहाँ पे सेवरल पोलन ग्रीन्स जर्मिनेट बट पुट फोर्थ, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे पोलन ग्रीन क्या हो जाएंगे, जर्मिनेट कर जाएंगे एंड पोलन ट्यूब उसमें से निकलने लग जाएगी। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं पोलन ट्यूब यहाँ पे आपको दिख रही है निकलते हुए। देन यहाँ पे क्या है, द ट्यूब न्यूसिलस की तरफ वो डिसेंड करेगी टू द टिप ऑफ द पोलन ट्यूब, देन जनरेटिव सेल ऑल्सो पासिस टू इंटू इट। फिर क्या होगा, यहाँ पे डिविजन होंगे, डिवाइड हो जाएगी, टू मेल गैमिट्स बन जाते हैं, टू मेल गैमिट पोलन ट्यूब कमिंग आउट ऑफ पोलन ग्रेन, दो मेल गैमिट्स आपको दिखेंगे। फिर उसके बाद ये आपको इजिली दिख जाएगा, ऑब्जर्व कर लेंगे, आप यहाँ से पढ़ लो एंड इसे लिख लो, द इवेंट ऑफ पोलन जर्मिनेशन आर ऑब्जर्व्ड। तो आपको प्रिकॉशंस भी कुछ लेने होंगे, है ना, प्रैक्टिकल है तो प्रिकॉशंस तो आपको लेने हैं। यहाँ पे देखो तो क्या प्रिकॉशन है, माउंटिंग शुड बी फ्री फ्रॉम एयर बबल। तो आप जब कवर स्लिप रखते हो तो मेक श्योर कि उसमें एयर बबल्स ना आ जाए, नहीं तो फिर पूरा एक्सपेरिमेंट आपका वेस्ट जाएगा, क्योंकि आपको कुछ दिखना नहीं है उसमें। अगर एयर बबल्स आ जाते हैं तो उसमें आपको कुछ भी नहीं दिखेगा एंड आपका इतना मेहनत करने का मतलब कोई भी आपका कंक्लूजन नहीं निकलेगा एक्सपेरिमेंट करने का। तो एयर बबल्स नहीं हों तभी आपको नहीं दिखेगा। एंड पोलन ग्रेन शुड बी मैच्योर, मैच्योर होंगे तभी जर्मिनेट करेंगे, अगर इमैच्योर पोलन ग्रेन होंगे तो उसमें आपको दिखेंगे ही नहीं, है ना। तो टेक द पोलन फ्रॉम सुटेबल फ्लावर्स ओनली, तो कहीं से भी ऐसा नहीं है उसमें यूनिसेक्सुअल फ्लावर है आप लेके चले आओ उसमें से पोलन ढूंढने, जब उसमें एंथर एंड फिलामेंट है ही नहीं तो आपको पोलन कहाँ से मिलेंगे। तो मेक श्योर कि फ्लावर आपका जो हो उसमें मेल पार्ट्स भी हैं, फीमेल पार्ट्स भी हों, या फिर पोलन आपको उसमें मिल जाए, ठीक है। तो ऐसे ही नहीं यूनिसेक्सुअल उठा के लाया एंड देखने लग गया उसमें पोलन ग्रेन कहाँ है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको स्टडी करना है, ये एकदम से माइनर आपका एक्सपेरिमेंट है, ये काउंट होता है माइनर एक्सपेरिमेंट में। स्टडी करना है टेक्सचर ऑफ सोयल सैम्पल। अब ये सबसे ईजी है, आपको कुछ नहीं करना है, तीन चार क्या करना है, कलेक्ट कर लेना है आपको सॉइल, कहीं से भी गार्डन सॉइल ले लो, अपने रोड साइड सॉइल ले लो उसमें, या फिर सैंडी सॉइल ले लो। तो आपको क्या करना है, उसमें बस पानी डाल देना है, कुछ नहीं करना है। 50 ग्राम आपने सॉइल सैंपल लिया, सिलेंडर में मेज़र कर लो, उसमें फिर वाटर ऐड कर दो 50 ग्राम में, 100 ml आप मान लो यहाँ पे वाटर ऐड कर दिया आपने, तो मतलब 100% का आपने बना लिया, है ना। अब उसको अलाउ करो, आराम से उसको आराम करने दो, ठीक है, सेटल डाउन होने दो, आराम कर रहा है वो सॉइल आराम से। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। अब लेयर्स बन जाएंगे, ऑफ कोर्स ही बात है, जो हैवी पार्टिकल सैंड पार्टिकल्स होंगे वो सेटल डाउन होंगे, फिर यहाँ पे स्लिट पार्टिकल, फिर क्लेई, एंड यहाँ पे आपको वाटर कंटेंट दिख जाएगा ऊपर आते हुए। तो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा ऑब्जर्वेशन में, हैवी पार्टिकल सेटल डाउन फर्स्ट, फिर लाइटर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, फिर ह्यूमस जो होगा, ह्यूमस कंटेंट उसमें क्या होगा, वो फ्लोट करेगा सरफेस पे। नेक्स्ट यहाँ पे आपको देख लेना है, यहाँ पे जो मार्किंग बनी होती है, क्योंकि आपने 100 ml लिया है तो दैट मींस कि आपका सोल्यूशन 100 का हो गया, तो आप इसको परसेंटेज में इजीली लिख सकते हो। यहाँ पे जो मार्किंग है, अगर यहाँ पे 45 तक आया तो 45% उसमें सैंड है, एंड जहाँ जहाँ तक मार्किंग है आप उसको परसेंटेज में देख लोगे। नेक्स्ट मॉइस्चर कंटेंट, मॉइस्चर कंटेंट के लिए क्या करोगे आप, वेट करना है, उसके बाद हीट कर लो, हीट करने के बाद जितना वेट लॉस हुआ उसका वही उसका मॉइस्चर कंटेंट हो जाएगा, क्योंकि आप कोई मिट्टी लेके आए, आप सॉइल लेके आए, सॉइल सैंपल आपने उठाया, उसको हीट कर दिया, हीट कर दिया तो उसमें से वाटर रिमूव हो गया, तो वाटर रिमूव हो गया तो मतलब वही मॉइस्चर था जो आपका रिमूव हुआ, तो उसी को वेट कर लेना है। इनिशियल रीडिंग माइनस फाइनल माइनस इनिशियल कर दोगे तो आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखो रोड साइड यहाँ पर रीडिंग लिखी हुई है, आप डायरेक्ट यहाँ से नोट कर सकते हो, या तो आप तो बायोलैब में जाके एक्सपेरिमेंट भी परफॉर्म कर सकते हो। तो यहाँ पे लिख लेना ये 4.99 एंड 1.86। तो मॉइस्चर कंटेंट जो है ये आप देख सकते हैं ये आ गया है। अब यहाँ पे क्या करना है, पीएच, देन यहाँ पे फिर से वही है, बस पीएच पेपर डालना है या फिर यूनिवर्सल इंडिकेटर को डालो, एंड अगर ब्लू कलर आ रहा है तो बेसिक है, रेड आ रहा है तो एसिडिक है, अगर तो ग्रीन आ रहा है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रीन आया है, इसका रोड साइड सोयल का ग्रीन आया, दैट मीन न्यूट्रल है, 6 आया है दैट मीन्स ये है थोड़ा सा एसिडिक, राइट, क्योंकि पीएच 7 के ऊपर होता है, तो 7 के ऊपर होता है तो बेसिक, 7 के नीचे होता है तो एसिडिक होता है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी देख लो आप, यहाँ पे पूरा एक्सपेरिमेंट लिखा हुआ है, ये हमारे स्कूल में तो करना ही था, आपको सारे ही करने हैं, तो आप देख लेना, इसमें से एक मेजर प्रोजेक्ट नहीं है, ये आपका माइनर आता है, माइनर एग्जाम में आएगा, माइनर प्रोजेक्ट में एक ये, एंड मेजर में आपके आते हैं
सलाइवरी एमाइलेज वाला या फिर माइटोसिस इन रूट टिप, तो आप इसको भी देख लेना एंड कर लेना ईजिली। यहाँ पे लिखा हुआ है सब कुछ, तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे फिर से वाटर बॉडीज आपने कहीं से भी लाना है, यहाँ पे रिवर का आपको वाटर ले आ लो, लेक का ले लो, पॉन्ड का ले लो एंड नाले का पानी ले लो। फिर उसमें क्या करना है, पीएच यूनिवर्सल इंडिकेटर डाल दो या फिर पीएच पेपर डाल दो, आपको जो सा भी डालना है। सो प्रोसीजर आप अपने अकॉर्डिंगली लिख लेना कि टेक वाटर सैंपल फ्रॉम सेपरेट टेस्ट ट्यूब में लेना है, फिर पीएच यूनिवर्सल इंडिकेटर या फिर पीएच पेपर डालकर आपको कलर ऑब्जर्व करना है एंड उसका रिस्पेक्टिव बता देना है कि कौन सा है, एसिडिक है बेसिक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टैप वाटर का 6 आया, स्लाइटली एसिडिक है, मैंने जब किया था तो पॉन्ड वाटर का 8 आया, अल्कलाइन है, रिवर का 8 आया, ये भी बेसिक है। नेक्स्ट यहाँ पे वेस्ट वाटर जो है वो एसिडिक है एंड प्योर वाटर आपका होता है न्यूट्रल, 7 आ गया। यस सो यहाँ पे आप क्लैरिटी देख लो उसमें कैसा, मतलब आपको एक क्लियर दिख रहा है या फिर ब्लर दिख रहा है, टर्बिडिटी है उसमें, ये सब आप करके देख लेना, ये काफ़ी इजी है, बस आपको देखना ही देखना है ऐसे भी ये सारे प्रैक्टिकल्स। नेक्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी वाटर सैंपल, तो यहाँ पे क्या करना है आपको देखना है, तो आपको कौन कौन से ऑब्जर्व हुए आप यहाँ पे कुछ भी लिख देना, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट आपको एकदम अच्छे से दिखता नहीं है, पर आप बस समझना पड़ता है हाँ ये लिविंग ऑर्गेनिज्म हो सकता है, ये हो सकता है, तो एकदम क्लियर आपको दिखेगा नहीं। वॉलवर्क्स, एनावेना, क्लैमिडोमोनास, ये सब आपको, मुझे तो क्लियर नहीं दिखा था, हो सकता है आपके स्कूल में हो तो अच्छे से किया गया है तो दिख सकता है, पर आई डोंट थिंक सो कि इतने क्लियरली आपको यहाँ पे ये लिविंग ऑर्गेनिज्म दिख पाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख लो टेम्परेरी माउंट ऑफ, सो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, हैव पेशेंस, वीडियो पूरा एंड तक देखना प्लीज़। एंड यहाँ पे आपको क्या करना है, टू प्रिपेयर टेम्परेरी माउंट ऑफ अनियन रूट टिप टू स्टडी माइटोसिस, ये आपने क्लास 11th में भी कर रखा है, तो इसका आपको क्या करना है, सिंपली ये जो माइटोसिस के चार फेज होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज, इसी को ही आपको उसमें ऑब्जर्व करना है। तो प्रोफेज में क्या होता है, प्रोफेज हो जाता है क्रोमोसोम जो हो जाते हैं स्टार्ट कॉइलिंग, थिकिंग हो जाते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होने लगती है। मेटाफेज में क्या होता है, जो क्रोमैटिड्स ऑफ ईच क्रोमोसोम बिकम क्लियर, अब जो वो क्रोमैटिड्स थे एकदम क्लियर दिखने लग गए हैं आपको, ईच क्रोमोसोम अटैच विद स्पिंडल फाइबर से वो अटैच होने लगते हैं, देन यहाँ पे मिडिल लाइन में आ जाते हैं, आप देख सकते हैं इसका डायग्राम, मिडिल लाइन पे आ चुके हैं क्रोमोसोम्स। तो आप माइक्रोस्कोप पे देखेंगे तो आपको ये डिफरेंट स्टेजेस दिखेंगे माइटोसिस की रूट टिप में, ईच क्रोमैटिड पेयर सेपरेट फ्रॉम सेंट्रोमियर, यहाँ पे देख सकते हैं ये हो गया सेपरेट, ठीक है, सेंट्रोमियर ये जो था यहाँ पे बीच में से सेंट्रोमियर से ये सेपरेट हो गए एंड अपोजिट पोल्स में जाने लगे। फिर टीलोफेस में क्या होता है, फिर से सब कुछ आने लगता है, स्पिंडल फाइबर डिसअपियर होने लगती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आने लगती हैं एंड दो दो ठो हो जाते हैं आपके सेल, तो हो गया डिवीजन, डिवीजन हो गया बस, माइटोसिस कंप्लीट। नेक्स्ट यहाँ पे आपको पढ़ना है नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट आपका, सलाइवरी एमाइलेज ऑन स्टार्च, इफेक्ट बताना है किसका इफेक्ट, टेम्परेचर का इफेक्ट एंड पीएच का इफेक्ट, ठीक है, दो हैं आपके, तो ये भी बहुत इजी है, आप इसे कर सकते हैं। टेम्परेचर के लिए आपको तीन बीकर बनाने हैं, एक तो हो जाएगा कोल्ड वाटर, एक हो जाएगा हायर टेम्परेचर पे हॉट वाटर एंड एक नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस, तो आप इसे देख लो एंड कर लो अच्छे से। एंड इस पर आप इफेक्ट देख रहे हो टेम्परेचर बढ़ाने पर, क्या इफेक्ट जो है यहाँ पर आपने 37 पे 4 मिनट लग रहा है स्टार्च का डाइजेशन, बट आगे क्या है कि अगर आपने टेम्परेचर कम कर दिया तो टाइम ज़्यादा लग रहा है, आप देख सकते हैं, मतलब इसकी एक्टिविटी क्या हो गई, स्लो डाउन हो गई, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया तो भी एक्टिविटी स्लो डाउन हो गई, 10 मिनट्स लग रहे हैं फिर भी, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे पीएच आप देख लो हॉट वाटर में क्या हो जाता है, पीएच यहाँ पे आपको देख लेना है, तो पीएच वाला भी आप यहाँ से करके पूरा देख लो, रीडिंग लिखी हुई है सारी, आप यहाँ से नोट कर सकते हो ईजिली एंड ये अपनी अपनी कॉपी में एज इट इज़ ही कर लो, ठीक है। सो यहाँ पे ये हो जाता है आपका फिनिश प्रैक्टिकल, अब बचता है आपका स्पॉटिंग जो कि मैं इसी वीडियो में कराने वाली हूँ, ओके। सो यस फ्रेंड, ये आप देख सकते हैं स्पॉटिंग, स्पॉटिंग में आपको सिर्फ इतना ही करना है, या फिर आपके स्कूल में हो सकता हो और भी डिफरेंट स्पॉटिंग हो, पर हमारे स्कूल में भी इतने ही कराए गए हैं, तो अगर आप देख लेना आपके स्कूल में जैसा होगा, तो कॉपी में लिखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप सिर्फ कॉपी में इतने भी लिखोगे तो चल जाएगा, पढ़ लेना बस, ठीक है, बुक से या फिर कहीं से भी पढ़ लेना, पर कॉपी में आप थोड़ा ही लिखो, ठीक है, ज़्यादा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं हो, देखते नहीं है, बिल्कुल नहीं देखा जाता है, बस आप सुंदर सुंदर राइटिंग में कुछ भी थोड़ा बहुत जो हो रहा है अभी आपसे वो लिख लो बस, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, फर्स्ट है
परमानेंट स्लाइड से टीएस ऑफ टेस्टिस एंड ओवरी। तो टेस्टिस का यहाँ पे आपको क्या लिखना होगा, पहले तो आपको क्या, टेस्टिस कवर बाय डेंस फाइब्रस मेम्ब्रेन कॉल्ड ट्यूनिका एल्बुजिनिया। तो आपने ये थ्योरी में पढ़ रखा होगा, है ना, थ्योरी में ये पढ़ा होगा, सर्टोली सेल्स। देन यहाँ पे आ जाता है आपको स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया फर्दर डिवाइड होते हैं, फिर बनते हैं स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी बनते हैं, प्राइमरी की प्लॉइडी होती है 2n। देन यहाँ पे आप डिवाइड करते हैं तो सेकेंडरी बनते हैं, माइटोसिस होता है पहले, ठीक है, माइटोसिस से जो माइटोसिस हुआ स्पर्मेटोगोनिया का, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बने, उसकी प्लॉइडी भी 2n होती है, स्पर्मेटोगोनिया की भी प्लॉइडी 2n होती है, लेकिन जब मियोसिस हो जाती है तो रिडक्शनल डिवीजन हो गया, तो आपका जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है उसकी प्लॉइडी आपकी हो जाएगी n, स्पर्मेटिस की भी n होती है, एंड यहाँ पे आपके स्पर्म्स की भी n हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे सर्टोली सेल का फंक्शन आता है, फाइवा में क्वेश्चन हो सकता है सर्टोली सेल का फंक्शन क्या है, तो टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द स्पर्म। नेक्स्ट यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, देन ये बेसमेंट लाइन आपको दिख जाएगी, यहाँ पे आपको पूरी आइडेंटिफाई करना है, आपको परमानेंट स्लाइड दे दी जाएगी उसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पे आपको ये दिख रहा है स्पर्मेटोगोनिया, फिर उसके बाद आती है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, देन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, देन स्पर्मेटिड्स। तो आप अपने उसमें देख कर बस यहाँ पे कुछ पॉइंट्स में लिखने होते हैं, सो यहाँ पे आप पॉइंट लिख देना, टेस्टिस कवर बाय डेंस फाइब्रस मेम्ब्रेन कॉन्ट्यूलिका एल्बुजिनिया, नेक्स्ट टेस्टिस डिवाइडेड इनटू सेवन लोब्स मैनी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। मतलब आपने जो भी थ्योरी में पढ़ा है वही लिखना है आपको, क्योंकि आपको पता है, आपने पढ़ रखा है क्लास ट्वेल्थ में एनसीईआरटी बुक में। फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन से लाइन होता है स्पर्मेटोगोनिया, फिर इन दोनों के मतलब जो बिटवीन में जो इंटरस्टिशियल स्पेस होती है वहाँ पे लिडिक सेल पाए जाते हैं, लिडिक सेल क्या फॉर्म करते हैं, फॉर्मेशन हेल्प एंड फॉर्मेशन ऑफ एंड्रोजन। नेक्स्ट यहाँ पे ईच सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कंटेन स्पर्मेटोजोआ एंड सर्टोली सेल, आप देख सकते हैं, एंड ये आपने पढ़ रखा है क्लास ट्वेल्थ में। फिर यहाँ पे ओवरी का आ जाता है, टीएस ऑफ ओवरी, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ ओवरी में क्या है, फिर यहाँ पे लिखना है आपको, यहाँ पे दो पार्ट्स में होती हैं ओवरी, पहले तो थिक आउटर कॉर्टेक्स, नेक्स्ट इनसाइड जो होती है वो मेडुला, न्यूमरस ओवेरियन फॉलिकल्स होते हैं जो कि पीटल स्टेज से ही बनना शुरू हो जाते हैं, यहाँ पे आप काफ़ी सारे देख सकते हैं, प्राइमोडियल होता है, फिर प्राइमरी, फिर थोड़े से डेवलप सेकेंडरी, सेकेंडरी से आपके बनते हैं फॉलिकल्स, फॉलिकल मैच्योर फॉलिकल बन गए तो उनको ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं, टर्शियरी में आपको टर्शियरी फॉलिकल जो है वो कैटेगराइज बाई होता है किससे, एंट्रम आ जाता है, ठीक है, आपको एक कैविटी देखने को मिलेगी, एक एंट्रम, इस वजह से टर्शियरी बोलते हैं, टर्शियरी थोड़ा सा मॉडिफाई होता है, उसके साइड में मेम्ब्रेन्स आ जाती हैं तो वो हो जाती है ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल जब रप्चर होता है तो उसमें से ओसाइड रिलीज होता है एट द टाइम ऑफ ओवल्यूशन। नेक्स्ट यहाँ पे हो जाता है आपका रीजेनरेट तो कॉर्पस ल्यूटियम जो कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को मेंटेन करता है, एंड फिर अगर मेंस्ट्रुएशन होती है तो फिर प्रोजेस्टेरोन डीजेनरेट कर जाता है एंड प्रोजेस्टेरोन का लेवल डिक्रीज हो जाता है, इस वजह से इट कॉजेज मेंस्ट्रुएशन। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो इसमें आपको सिर्फ पॉइंट्स देने हैं ओवरी पे, तो ये लिख दो आप आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला। नेक्स्ट न्यूमरस ओवेरियन फॉलिकल्स होते हैं जो कि फिटल स्टेज से ही स्टार्ट हो जाते हैं बनने, ग्राफियन फॉलिकल हैव ओवम, ओवम जब आता है तो उसको ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं, कॉर्पस एल्बुजिनिया एंड कॉर्पस ल्यूटियम आप इसमें देख रहे हैं तो ये भी लिखना है। देन यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे फॉलिकुलर सेल्स जो हैं वो इंक्रीज होने लगती हैं जैसे जैसे ओवम मैच्योर होता है। देन यहाँ ब्लास्टोसिस्ट का है, वीडियो 18 मिनट्स की हो गई है, बस 2 मिनट और एंड ये वीडियो एंड होने वाली है। सो टीएस ऑफ ब्लास्टुला थ्रू परमानेंट स्लाइड्स, अब यहाँ पे आप देख लो ब्लास्टुला का बताना है, तो ब्लास्टुला क्या है, जब आपके 8-16 सेल स्टेज को क्या कहते हैं आपके, जब डिवीजन हो जाते हैं तो मोरुला कहते हैं, एंड मोरुला के बाद बनता है आपका ब्लास्टुला। ब्लास्टुला में क्या हो जाता है, ये देखो आप सेल डिफरेंशिएट कर जाती हैं, ट्रोफोब्लास्ट आउटर हो जाता है एंड यहाँ पे मासेस ऑफ सेल कलेक्ट हो जाती हैं जिसे हम इनर सेल मास कहते हैं, एंड इसमें ही हमारा स्टेम सेल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सिंपली लिख देना है इसके बारे में, कमेंट में आप क्या कर दोगे इसमें, ब्लास्टुला अपीयर्स अ स्फीयर विद अ कैविटी, आपको दिख रहा है ब्लास्टोसील, यहाँ पे आपको ढेर सारी मतलब कैविटी बीच में, यहाँ पे सेल यहाँ पे आ गई एंड यहाँ पे क्या है, कैविटी है, कैविटी को हम ब्लास्टोसील कहते हैं। देन द सेल हैज़ आउटर लेयर एलोंगेट टू फॉर्म आउटर लेयर को ट्रोफोब्लास्ट, आप फिगर में देख सकते हैं ट्रोफोब्लास्ट, एंड इनर लेयर जो है वो ग्रिप वाइज टू एम्ब्रियो बनाती है, यहाँ पे इसी स्टेम सेल है, इससे ही ऑर्गन बनते हैं, सेल है, इतनी सी सेल से पूरी बॉडी आपकी बन जाती है, सोचो मतलब
दैट्स लाइफ कैसे ओरिजिनेट हो रही है. देन सेल्युलर मास एडियर्स टू ट्रोफोब्लास्ट एंड इज प्रेजेंट ऑन द एंड ऑफ ब्लास्टुला. नेक्स्ट द सेल ऑफ ट्रोफोब्लास्ट प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू ऑन द एम्ब्रियो. नेक्स्ट यहाँ पे ये ट्रोफोब्लास्ट का क्या काम है, अगर आप सोच रहे हो ऑर्गेनिज्म बन गया तो ये क्या करेगा, ट्रोफोब्लास्ट इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा. ठीक है, पूरा ऑर्गन बनेगा, फिर ऑर्गन सिस्टम बनेगा एंड पूरा ऑर्गेनिज्म एक स्टेम सेल से बन जाता है. नेक्स्ट यहाँ पे आपको जेरिक प्लांट लिखने हैं, तो जेरिक प्लांट पंछी आपने बहुत पढ़ा है, कैक्टस भी आप लिख सकते हो. यहाँ पे आप देख सकते हो मॉडिफाइड हो, यहाँ पे जो इसका ये है ये फूड को स्टोर कर रहता है क्योंकि डेजर्ट में आप जानते हैं सनलाइट है एंड वाटर की कमी है, तो यहाँ पे स्टोर फूड्स एंड वाटर परफॉर्म फोटोसिंथेसिस. यहाँ पे आप देख सकते हो स्पाइक्स होती हैं, ज़ेरोफिटिक जो कि एडवर्स कंडीशन में भी सर्वाइव कर जाते हैं, तो उन्हें ज़ेरोफिटिक हैबिटेट्स कैसे हैं यहाँ पे आप देख लो. इस पर कमेंट करना है, ये थोड़ा सा याद करना होगा आपको, यही सेम टू सेम अपने एग्ज़ाम कॉपी में जाके लिख देना है. नेक्स्ट कैमल, कैमल के बारे में तो मतलब आप फर्स्ट सेकेंड क्लास से पढ़ते आ रहे हो, मतलब ये तो एकदम ईजी है. जेरिक कंडीशन में सर्वाइव कर जाता है, पैडेड इसके होते हैं लेग्स जिसकी वजह से ये सैंड में भी चल पाता है एंड यहाँ पे आप हम्प होते हैं. ये तो मतलब बचपन से चीज़ें पढ़ना है ये सब, तो इसका ज़्यादा मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है एंड आप अपने से भी लिख लोगे. हाइड्रिला है, इस पर स्पॉटिंग में आ जाएगा, तो आप फिगर देख लो एकदम अच्छे से क्योंकि फिगर से ही आपको स्पॉट करना है. यहाँ पे सबमर्ज प्लांट है विच फाउंड इन फ्रेश वाटर, तो ये याद रखना कि फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं. डिवॉइड ऑफ रूट कैप्स, में रूट हेयर्स एंड रूट कैप नहीं होती हैं. ठीक है, तो ये एक इसका मेन कैरेक्टर है. लीव्स जो होती हैं बहुत स्मॉल होती हैं एंड नैरो अरेंज इन द वॉल. लॉन्ग डेलिकेट होता है एंड फ्लेक्सिबल स्टेम होती हैं. नेक्स्ट फिश लिखनी है आपको, फिश वो भी रोहू फिश है, तो ये आपने अपने लैब में भी देखा होगा एंड बहुत सारे लोग ने तो इसे खाया भी होगा, है ना. सो नॉन वेजिटेरियन हैं अगर आप तो ऑफकोर्स खाया होगा. नेक्स्ट यहाँ पे आप लिख सकते हैं इसमें क्या है, कहाँ पाई जाती है, फ्रेश वाटर में पाई जाती है, पॉन्ड में पाई जाती है, लेक्स में पाई जाती हैं. मतलब फ़िश के बारे में मतलब बच्चों वाली चीज़ें अभी आपको ये लिखनी है एकदम, मतलब बच्चों वाली चीज़ें. कैमल के बारे में लिखना है, फ़िश के बारे में, तो इससे ईजी स्पॉटिंग क्या हो सकती है. तो इसमें तो बिल्कुल मार्क्स आपके लूज नहीं करना है आपको. स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, एनिमल इन फ्लोटिंग हेल्प, क्यों फ्लोट करने में हेल्प करेगा, है ना, स्ट्रीमलाइन बॉडी है. मॉडिफाइड लिम्ब होते हैं, इनका गिल्स जो होता है वो मतलब रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है. आई डोंट थिंक सो कि ये मुझे बताने की ज़रूरत है, ये तो आपको फिफ्थ क्लास से ही पता होगा. नेक्स्ट एस्कैरिस, यहाँ पे मैंने सिर्फ एक ही लिखा है, और भी डिसीज़ के कॉजिंग हैं जैसे कि एंट अमीबा हिस्टोलिका. यहाँ पे एस्कैरिस है तो अमीबा से कॉज होता है डाइसेंट्री, तो आपको काफ़ी सारे नहीं लिखने हैं यहाँ पे, आप एस्कैरिस भी लिख लो एंड करना आप लर्न कर लेना सारे के सारे सारे में, पर लिखना सिर्फ आप एक दो ही लिख लेना. ठीक है, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है इतनी. यहाँ पे आप इस पे कमेंट कर सकते हो. लॉन्ग बॉडी सिलेंड्रिकल होता है, नो सेगमेंटेशन, सेक्सेस होते हैं सेपरेट होते हैं मेल्स एंड फीमेल्स. फीमेल्स जो होती हैं वो लॉन्गर होती हैं एंड मेल्स जो होते हैं वो शॉर्टर होते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं. एंड इसकी जो टेल होती है वो कर्व होती है मेल की एंड जो फीमेल है वो स्ट्रेट है. नेक्स्ट यहाँ पे है आपका टर्मिनल थ्री लिप्स ऑन माउथ, तीन लिप्स होते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं. मेल एंड फीमेल को आप इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं एंड डिसीज सिम्टम्स आपको इसमें लिखना है. तो स्कैरिस है सबसे ईजी, स्कैरियसिस हो जाता है इससे, मतलब इसके डिसीज कॉजिंग जो होती हैं ये कौन सी डिसीज करता है, स्कैरियासिस. नेक्स्ट होता है यहाँ पे एब्डोमिनल पेन, इसके कॉजेज हैं इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन. यहाँ पे ये हो जाता है ख़त्म. एंड मैंने मतलब इतना बोल लिया, 20 मिनट तक मैं लगातार बोल रही हूँ. सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो एंड आप जल्दी से अपना प्रैक्टिकल कंप्लीट कर लो. PDF लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, सो आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग.